अरे भाई, अरे नवा को पास्ता को पास्ता को सुन ले, बात क्या है तुझे, बात से क्या लेना देना, जो कुछ कहा है वो कर दे। लेकिन फिर भी तो कहानी सी हो रही है, ठीक रहा है कोई लोग की पोट्री में थी। अच्छा, कोई लोग का कारोबार कर रही थी। फिर कोई कौन है, आराम से बोल, पास्ता को नवा को सुन। राम तो हम इस बिल्ली को बहुत दूर छोड़ा है, लेकिन वापस चल के एक अम्बा, और इसके वापस आ जाने के बाद से हम इसे बेगम साहिबा से छुपा कर रखना चाहते थे, इसलिए कोई लोग कोशिश में बंद कर दिया था, आप समझ गए तो, और एक बड़ी चाहिए थी। वैसे भैया एक बात तो है, ये बिल्ली को चाहे दूर क्यों ना छोड़ दे, घर वापस आ ही जाती है। मगर अब तो आएगी, तू समझ गया ना अपना काम। समझ गया, क्यों ना समझता। अच्छा मगर देख, बड़े आराम से प्यार से इसका काम तो हम करें, ज्यादा दुख ना पहुंचाए, और सुन हो सके तो कुल्हाड़ा हमसे कर लीजिए। कुल्हाड़ा? और अगर मैं उसको, अगर हम कुछ नहीं जो कुछ कहा है वो कर दे, अगर किसी ने देख लिया तो वो इस वक्त तो देख लिया से ज्यादा सुन लिया की कर रहा, और अगर किसी ने मेरी जान लेती है उसे देखिए तो कौन सा सूली पर चढ़ा देगा। अच्छा सुन, अगर ऐसा ही है तो रात को सही। हाँ मियां, इस काम का इनाम ये अठन्नी, अठन्नी इस अठन्नी के लिए ये खून नाम या ना मुझे नहीं मंजूर। अभी तो क्या पसंद लेगा, इस आम सी बिल्ली के लिए अठन्नी की रकम भी बहुत ज्यादा है। या माना कि ये आम सी बिल्ली है, लेकिन अठन्नी के लिए इसका खून मरने के बाद अल्लाह मियां को मुंह भी तो दिखाना है। अभी तो दो रुपये चुपके क्या लेगा, पांच रुपए लूंगा। 5 रुपए का नोट सब कर गया तेरा, आपकी मर्जी ना सही तो ना, मैं चला। अच्छा सुन 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 सुन, तू ऐसा कर, ये एक रुपया का नोट है। एक रुपया मियां, एक तो मैं वो इंसान नर्म लगेगा, दूसरा कठोर खून मेरा पेशा नहीं। मैं तो आप जानते हैं, मैं तो बावर्ची के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हुआ था। सुना था कि आपको किसी बावर्ची की जरूरत है, इसीलिए आपके पास आया। अब इस खिदमत के लिए तो मैं तो ये बोल के लेगा क्या, 5 रुपए दिला दीजिए। 5 रुपए का नोट सर के लिए? आपकी मर्जी, न सही तो न सही, मैं चला। अच्छा सुन सुन सुन, तो ऐसा कर 1 रुपया ले लीजिए। 1 रुपया मियां, ये बिल्ली है बेगम साहिबा की, 5 रुपए से 1 कौड़ी कम नहीं लूंगा मैं। अरे मगर 5 रुपए अजी कहाँ है? आया आया जी आया। अच्छा ये 5 रुपए का नोट, और फौरन यहाँ से रुपये चेक करो जाओ, और देख बिल्ली की झलक तक नजर ना आए, किसी को इसका नाम निशान तक ना मिले। तो भाग जाओ, भाग जाओ सर, जल्दी जाओ। मियां मियां, आपसे एक दरखास्त थी, वो ये कि अगर मैं बिल्ली को जहर दे के मार दूं तो। अरे तू जो भी कुछ कर, जा भाग जा। ठीक है जी, आया आया, बस मैं आ रहा हूँ। मियां मियां, ये तो हो गया, नौकरी की अगर सिफारिश हो जाए तो। 5 रुपए का नोट लेकर भी तेरे लिए नौकरी की सिफारिश, भाग। अच्छा तो तुम यहाँ छुपे बैठे हो और यहाँ पर मेरा सपने के बारे में बुरा हाल है। अरे अरे अरे, यकीन करो बेगम, मैं तुम्हारी तरफ ही आ रहा हूँ। क्या करूँ, मेरा दो दिन है ना वो अजीब सा हो रहा है, अंदर से दुखा चल रहा है। क्या हो गया बेगम? जिस पिगच में वो दूध पिया करती थी, बरामदे में औंधी पड़ी है, उसको देखती हूँ तो मेरे सिर पे ना फूके सी उठ रही है। थोड़ा ये भी कोई बात नहीं सुन रही, ये तो बहुत मामूली सी बात है बेटा। जिस टोकरी में ना वो गली में आराम किया करती थी, वो भी वीरान सी पड़ी है। कोई बात नहीं बेटा, तुम ऐसा करो उस टोकरी में आलू और प्याज रखना शुरू कर दो। अच्छा, अब दिल दुखाने वाली बात ना करो, मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी बिल्ली ना वापस आ जाएगी। देखो बेगम, अब उसकी वापसी की उम्मीद ख्याल खाम है। क्या मतलब? मतलब ये कि अभी अभी बाजार का एक आदमी होकर मेरे पास से गया है, और उसने मुझे एक बड़ी अफसोसनाक खबर सुनाई है। देखो तुम अपने आप को उस अफसोसनाक खबर सुनने के लिए तैयार कर लो। आराम से, देखो वो जो आदमी आया था ना, वो उसने मुझे बताया कि हमारी बिल्ली एक
कसाब की दुकान के सामने खड़ी चीजों के ख्वाब देख रही थी। एक बेरे कसाब ने उसे अन्न का रास्ता दिखा दिया। यकीन करो मेरा, उस अपने आप को संभाल। जब वो ये खबर सुना रहा था, यकीन करो उसकी आंखों से भी ऐसे ही आंसुओं की लड़ियां जा रही थी। बस यही एक इत्मीनान की बात है कि जिस कार ने उसको कुचला वो रोज राइस का उसने उस कीने को समेट कर दुकान के पिछवाड़े दफन कर दिया। अब देखो देखो बेगम कैसे रो गई। अरे देखो 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 बेगम उसकी कजा आई थी मर गई। अब देखो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती तुम रोते हुए। वो देखो अगर किसी नौकर ने देख लिया तो क्या सोचेगा, ना जाने क्या ख्याल आ जाए उसके दिल में। बेगम मुझे याद आया, तुम कह रही थी कि आज तुम्हें बाजार जाना है खरीदो फरोख्त के लिए। तो तुम बाजार हो, अब कार खाली है। देखो मुझे तो बैठ कर मजमून लिखना है, तुम मेरी जो दिल चाहता है खरीदारी करो। वो तो एक नंबर की छटी हुई बिल्ली थी। यकीन करो पता है
पिछले महीने उस तंबक ने एक चूहा पकड़कर मेरे ताजा तरीन अफसाने पर बैठकर उसका नाश्ता किया। अरे भाईजान, आप भी जानवर से अकल की तवक्को करते हैं। अरे नसीब, अकल न हो कम से कम तमीज तो हो। कीचड़ में से घूम कर आती और मेरे साफ सुथरे बिस्तर पर आकर लेट जाती, और तो और हमसाए ने मुर्गी के बच्चे निकलवा रखे थे। पता है क्या किया? उनमें से दो चूजों का नाश्ता मेरे ड्राइंग रूम की कालीन पर आकर किया, यानी कि पूरा का पूरा कालीन बर्बाद कर दिया। बताओ बताओ, तो अब मैं कहां हूं? जहां तक मेरा ख्याल है, इस वक्त वो मुसलमान अगली दुनिया के लिए रखते सफर बांध रही होगी। वो कैसे? वो ऐसे कि कल रात हमने अपने दिल में तय कर लिया था कि अब इस बिल्ली से छुटकारा हासिल करना है। बहुत हो गया सब, अब नहीं होता। तो पता नहीं क्या किया हमने, उस बिल्ली को पकड़कर कार में बिठाया और पकड़ा दरिया का रास्ता। हाँ, और भाभी जान को बताया क्या चला? नजरी, ये कार्रवाई उस वक्त हुई जब तुम्हारी भाभी जान नींद के मजे ले रही थी। तो फिर क्या हुआ? फिर मैं उसे कार में बिठा कर दरिया पर छोड़ा। और आपका ख्याल है कि वो वही दरिया के किनारे मर थक गई होगी? नहीं नहीं, कहाँ मर थक गई तुम्हारा, सुबह सुबह वापस आ गई। अच्छा, हाँ? फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि सुबह जब आँख खुली तो मियाँ मियाँ की आवाज सुनकर मैं परेशान हो गया। देखा तो धरी हुई है यहाँ पर। मैं ये सोच रहा हूँ कि तमाम दरवाजे तो बंद थे, यकीनन तुम्हारा किसी मोरी के रास्ते घर में घुस गई होगी। फिर क्या, बस मैं खून के भूख पीकर रह गया। अब सुबह ही सुबह समझ में भी नहीं आ रहा था कि करूं तो क्या करूं। मैंने क्या किया, उस बिल्ली के मुंह पर रुमाल बांधकर कोयले की कोठरी में बंद कर दिया। सोचा रुमाल बना होगा तो उसकी आवाज सुनाई ना देगी। तो वो बिल्ली अभी तक कोयले की कोठरी में बंद है? सुबह से बंद ही तो थी, सुबह से सिवाय इस फिक्र की कोई और फिक्र ही ना थी। सोचा बेगम साहिबा को भी सदमा पहुंचा लिया तो क्यों ना कुछ और तरीका निकाला जाए। इत्तेफाक की बात है कि सुबह ही सुबह मुलाजमत के लिए एक उम्मीदवार आया, शक्ल से बड़ा ही समझदार और चलता हुआ दिखाई देता था। तो मैंने सोचा क्यों ना इस चालाक उम्मीदवार के जरिए ही उस बिल्ली का काम तमाम करवा दिया जाए। तो कुछ देर पहले ही वो उम्मीदवार बिल्ली को लेकर गया है, और पता है तुम्हारी भाभी जान से मैंने कहा कि तुम्हारी बिल्ली एक रोल्स रॉयस कार के नीचे तले आकर मर गई। सच तो ये भाईजान कि ये बहुत ही ज्यादती की बात। बिल्ली से ज्यादती तो और क्या करता। अरे सच पूछो तो उस कमबख्त बिल्ली की वजह से मेरा इत्मीनान तलवार उठ रहा था, मेरा घर गलीज हो रहा था, लोगों से मेरे ताल्लुकात कशीदा हो रहे थे, और तो और मेरी बीवी अपनी ना रही, तो मैं क्या करता था। तो फिर मेरे कई रुपए भी उठ गए, पूरे 5 रुपए उस शख्स को दिए जो बिल्ली को ठिकाने लगाएगा। तो और क्या, 10 रुपए तुम्हारी भाभी को भी देने पड़े ताकि उनका मूड सही हो जाए। कुल मिलाकर पूरे 15 रुपए खर्च हो गए। खैर, 15 रुपयों में इत्मीनान और सुकून की जिंदगी सस्ती नहीं है, मुझे कोई गम नहीं उन 15 रुपयों का, क्योंकि इससे बेहतर सौदा कोई और हो ही नहीं सकता। भला हो एक बेगम साहिबा का, इन
के बहाने आपके कदमों में जगह मिल जाएगी। कैसे प्यार से बोल रही है, पूरे घंटे ऐसे घूम रही है जैसे बरसों से यहीं रहती हो। मैं तुम्हें अभी दिखाती हूँ। आजा मेरी मुन्नी, आजा मेरी बेटी। मुन्नी मुन्नी